तो गाइस देखिए पंडित जी बढ़िया से पूजा उजा करवा रहे हैं, स्वास्थ्य बना रहे हैं। और आपको देखिएगा पंडित जी क्या क्या करवा रहे हैं। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इधर देखिए से कितना अच्छा से स्वास्थ्य बना हुआ है। और इधर देखिए हमारे भगवान जी लोग बैठे हुए हैं, एक नए शॉप का उद्घाटन हो रहा है जो कि पूजा पाठ हो रहा है। इधर देखिए मेरी वाइफ दिया दिखा रही है और दिया दिखा कर रख रही है। और देखिए पंडित जी बोले नुआ के ऐसे रखिए, तो ऐसे दिया रखे। और इधर देखिए बस तैयारी में लगे हुए हैं, अब देखिए क्या क्या रख रही है, फल उल रखे, हम धूप दिखा रहे हैं। तो गाइस बने रहिएगा, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार और बोल रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इधर क्या कर रहे हैं, इधर देखिए हम धूप दिखा रहे हैं, मेरी वाइफ है। तो गाइस इधर देखिए अभी क्या कर रहे हैं, अब हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं भगवान से कि चलिए नए शॉप खोल रहे थे। तो इधर देखिए दोनों साइड में लेफ्ट राइट हम लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं। इधर देखिए नीचे में दिखा रहे हैं आपको, नीचे में देखिए भगवान जी का मेन स्वास्थ्य किधर बना हुआ, मेन फ्रंट पर। अभी हम लोग कुछ ही पलों में देखिए फीता उता कटेगा। तो देखिए इधर मेरे पापा जी फीता काट दिए, और अब फीता उटा काटने देखिए मेरे पापा जी फीता काट दिए, और काटने के बाद देखिए पूरा अच्छा से बजा रहे हैं। पापा जी हैं, पापा जी और चलिए इधर हम ताली बजा रहे हैं, मेरी वाइफ है। और आपको इधर देखिए एक नए शॉप का उद्घाटन बता हुए हैं। इधर देखिए भगवान जी का तस्वीर काटने के बाद हम लोग पूजा पाठ दीजिए, मेरी वाइफ दक्षिणा से किए और पंडित जी दक्षिणा देखिए मेन गेट पर रख रहे हैं, मेन गेट पर जो देखिए पूजा होता है हम लोग पिता उता काटने के। इधर देखिए भगवान जी को वो सब हमारे बढ़वा रहे हैं। और देखिए पंडित जी बोले नारियल खोलने के लिए, तो हम गाय देखिए नारियल फोड़ रहे हैं। नारियल फोड़ने के बाद इसके बाद देखिए पानी छिड़क रहे नारियल का सगरो। इसके बाद देखिए सर तरफ अंदर की ओर हम लोग जा रहे हैं, और देखिए पंडित जी संग बजा रहे हैं, और एक नए शॉप का सुबह उद्घाटन किए। और बहुत ही बढ़िया से सब परिवार लोग आए हुए थे, मम्मी पापा बहन बहनोई भाई मेरा ससुरारी का लोग भी आए हुए थे। तो गाइस इधर देखिए ये पीला वाला जो सूट पहने हुए मेरी बहन है, ये मेरा भाई की वाइफ है जो रेड वाला साड़ी पहनी हुई है, और उधर पीछे मेरा पापा है वाइट पैंट वाइट शर्ट पहन कर। तो एक झलक इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेरी वाइफ अभी खड़ी है, और देखिए लोटा ले ली, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं, चलिए देखिए। और अब हम बैठ कर तैयारी में लगे हुए कुछ पूजा उजा का, तो आशा करते हैं आप लोग देखिए। तो गाइस इधर देखिए अब हम लोग बैठे हुए हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं। इधर देखिए बहुत अच्छा सा पूजा हुआ, अब इधर हम लोग खड़े हो रहे हैं, आरती की तैयारी में लग गए हैं। तो देखिए इधर पंडित जी बस अब अपना मंत्र बोलने लगे, आरती के तैयारी में हम लोग लग गए हैं, आरती भी करने लगे हैं। और इधर पीछे देखिए हमारे परिवार लोग हैं, और हम लोग बहुत ही विधिवत रूप से आरती अब हम लोग कर रहे हैं। और आरती उरती करने के बाद अब हम लोग प्रसाद उरसाद खाएंगे। तो गाय मेरा पीछे देखिए फर्नीचर लगा हुआ है, और इधर देखिए मेरा बच्चे लोग भी हैं आरती में शामिल हुए हैं, ताली बजा रहे हैं, और पंडित जी भी ताली बजा रहे हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है आरती में, बच्चे लोग हैं ताली बजा रहे हैं, बच्चे लोग को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चे लोग भी घंटी बजा रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है घंटी बजा रही है मेरी प्यारी सी भतीजी, बहुत अच्छा से घंटी बजा रही है। देखिए एक दूसरा से घंटी चुन रहा बच्चा लोग। तो गाइस हम लोग भी अपने स्तर में पूजा पाठ में लगे हुए हैं, पूजा उजा कर रहे हैं, और आरती करने उड़ने के बाद इसके बाद प्रसाद उरसाद खाया जाएगा। तो गाइस अगर बोलना चाहता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर। तो गाइस मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे हम सब हाईलाइटेड वीडियो बनाएंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये इंटरेस्टेड है,
प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरा सहयोग करें। अभी नए नए चैनल बनाए हैं, थोड़ा एडिट उडिट करने हमें नहीं आता है, तो गाइस देखिए कितना अच्छा से हम लोग आरती कर रहे हैं। और बस कुछ ही पलों में भी आरती ख़त्म होने वाला है, इसके बाद हम लोग प्रसाद उरसाद खाएंगे। प्रसाद उरसाद खाने होने के बाद इसके बाद हम लोग अपना शौक को बढ़ाकर घर निकलेंगे।